दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए आज बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज की इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन की, व्हाट इज परसेंटेज। सो परसेंट इम्प्लाइज फॉर एवरी 100, परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100, एंड द साइन, जो भी साइन हमको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज रेड एज परसेंटेज। एंड x परसेंटेज या फिर x जो परसेंट का साइन है, दैट इज रीड एज x परसेंट। इन अदर वर्ड्स, अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड अ परसेंट। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, उसे हम परसेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 20% मीन्स 20/100, दैट इज 20 parts from 100। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.2। ओके, नाउ बेसिक फॉर्मूला। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पी परसेंट ऑफ क्यू, वॉट फॉर्मूला वी नीड टू यूज? पी बाय 100 इंटू क्यू इज इक्वल टू, अब पी बाय 100 इंटू क्यू है, पी के साथ क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरा का पूरा होल कैन बी डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन। ऑल्सो रिमेंबर, पी परसेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू परसेंट ऑफ पी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आप बात करें कि सपोज मैं एक एग्जांपल लूं, तो अगर आपको 50% ऑफ 100 निकालना है या फिर 100% ऑफ 50 निकालना है, बात एक ही है। ओके, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि 50% ऑफ 100 भी 50 आएगा एंड 100% ऑफ 50 भी 50 ही आएगा। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 100% ऑफ 60 इज 60 × 100/100। जैसा कि मैंने कहा, जब भी आपको परसेंटेज का सिंबल दिया हो, मतलब आपको डिवाइड बाय 100 करना है। जिसका भी परसेंटेज, सपोज 100% दिया हुआ है, दैट मीन्स 100/100, तो वही लिखा है 60 × 100/100, दैट इज इक्वल टू 60। 50% ऑफ 60 इज इक्वल टू 50/100 × 60, दैट इज इक्वल टू 30। 5% ऑफ 60 is 5/100 × 60 is equal to 3. Let's move ahead. एक example देखते हैं। If 60% of a number is 360, consider करके चलिए कि कोई एक particular number है जिसका 60% 360 है, so what is 99% of the same number? तो वो number तो हमें नहीं पता, so let the number be n. Now, क्या क्या चीज गिवन है? हमको दिया हुआ है कि उस नंबर का 60% इज 360। 60% को हम 60/100 भी लिख सकते हैं, सो 60/100 × n इज इक्वल टू 360। ओके, दैट इज 60% ऑफ n, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन लिखा है, दैट इज इक्वल टू 360। अब यहां से n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? विल जस्ट शिफ्ट ऑल द नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड, so 360 × 100/60, which will give you n is equal to 600, correct? 99% of 600 निकालना है अब हमको, because हमको उसी number का 99% निकालने कहा गया था, so 99/100 × 600, which will give you 594, and that's how जिस number का आपके पास 60% दिया हुआ है, उसका आपने 99% निकाल लिया। Let's move ahead. There's another example. If 50% of a number is 360, what is 99% of the same number? This question is exact same, बस पिछले में हमने 60% निकाला था, अब हम 50% निकाल रहे हैं. So let the number be q. Given 50/100 × q is equal to 360. अब क्या क्या चीजें given है? हमें दिया हुआ है कि 50% of a number, वो number हमने q assume किया है, तो 50% of a number is equal to 360, that is 50% of q, and 50% को हम 50/100 लिखते हैं। Now यहाँ से हमको q का value निकालना है, 360, अब क्या होगा, जितने भी numbers left पे हैं, वो सारे के सारे right पे transfer हो जाएंगे, so 360 × 100/50, hence q का value क्या आ गया हमें, q का value आ गया 720, इसको solve करेंगे तो आ जाएगा। Now we have to calculate 99% of the same number, that is 99% of q, that is 720, which is equal to 99/100 × 720, and that will give you answer as 712.80. okay, so let's move ahead.
एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ये कैसे करते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो समझते हैं. सपोज आपके पास दो क्वांटिटी है, ओके, तो आपको एक क्वांटिटी को एज अ परसेंट रिप्रेजेंट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर. सो टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी एज अ परसेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड. द क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, सबसे पहले आपको जिस क्वांटिटी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय द सेकंड क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द परसेंट हैज टू बी ऑब्टेन्ड, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है, इनटू 100. एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी. नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल जिसमें आपको यही जो आपने पीछे समझा कि हाउ टू रिप्रेजेंट वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, उसी का रिलेटेड एक क्वेश्चन है. सो व्हाट परसेंट इज 60 ऑफ 240? तो 60 कितना परसेंट है 240 का? तो देयर इज वन क्वांटिटी दैट इज 60 एंड अनदर क्वांटिटी दैट इज 240. तो फर्स्ट राइट द गिवन नंबर्स इन द फ्रैक्शन फॉर्म. तो 60 अपॉन 240 कर देते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला तो यही कहता है ना, 60 बाई 240, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी. तो 00 कैंसिल हो जाएगा, 6 बाय 24 विल गिव यू 6 4 24, हैंस 1 अपॉन 4. नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 25 टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू 100. सो यू नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 25. ओके, क्यों करना है? ताकि आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू 100 हो जाए और फिर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाओ. तो 1 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना है एंड 4 को भी, दैट इज योर न्यूमरेटर एज वेल एज योर डिनोमिनेटर. तो यू विल गेट 25 अपॉन 100, दैट मीन्स 25% और 25 पर 100 इज कॉल्ड एज 25%, करेक्ट? सो व्हाट परसेंट इज 60 ऑफ 240? 60 इज 25% ऑफ 240. दैट्स हाउ यू नीड टू कैलकुलेट. Now there's a sample question for the basics of percentage. A number exceeds 20% of itself by 40. Okay, तो हमको वो number पता करना है. There are few options given. तो solution देखते हैं सबसे पहले. Let the number be P. तो हम assume करके चलते हैं कि वो number है P. अब 20% of itself का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा number है, that is P, P का 20%. Okay. Now according to the question, कहा गया है कि अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40. हेंस वी विल राइट नंबर माइनस इट्स 20% दैट इज इक्वल टू 40. ओके, दैट इज द इक्वेशन वील ऑब्टेन बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. नाउ पी माइनस 20% ऑफ पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20 इंटू पी अपॉन 100, और यू कैन राइट 20 अपॉन 100 इंटू पी, दोनों ही चलेगा, बात एक ही है, इज इक्वल टू 40. नाउ पी माइनस 20 इंटू पी अपॉन 100 का वैल्यू आएगा पी बाय 5, ओके, इज इक्वल टू 40. देन 5p माइनस p, ये कैसे हुआ है हमारा? हमने LCM लिया है इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. तो p जो हमारा फर्स्ट p है उसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 5p माइनस p, और ये 5 40 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. हैंस यू विल गेट 5p माइनस p इज इक्वल टू 200, देयरफॉर p इज इक्वल टू 50. And that was the sample question for the basics of percentage topic. So here we end our topic. I hope आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.